तो भाई आज फर्स्ट टाइम घुमाते हैं ओरियो को सुपर कार में, आज तक कभी बिठाया नहीं है इसको। चलो देखते कैसा लगता है। यूसी चलना है क्या? नया आईफोन लेने जा रहा हूँ मैं। नया आईफोन? हाँ। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो अभी जस्ट नहा के आया, कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, हरी सब्जी रोटी। अम्मा यहाँ बैठी है मेरे साथ में, बाकी मम्मी गई हॉस्पिटल। मम्मी के ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो पापा जी ले गए हॉस्पिटल। और मुझे इतना बुरा लगता है ना कि मैं भी नहीं जा पाता हॉस्पिटल, बिकॉज वहाँ भीड़ लग जाती है, फिर सारे मेरे पास आते हैं, इवन पेशेंट भी। तो इसलिए थोड़ा मुझे बुरा सा लगता है कि मैं मम्मी को हॉस्पिटल में ले आ पाता कई बार। एक बार तो क्या हुआ था, एक पेशेंट थे, उनके मतलब हाथ पैर सब जगह पूरे प्लास्टर ही प्लास्टर, बट फिर भी उनको मुझसे मिलना था और जैसे तैसे मेरे पास पहुंच गए थे अपने रूम से मेरे रूम में। तो मतलब देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, बिकॉज जो स्टाफ है ना, स्टाफ को अजीब फील होता है कि ये क्या हो रहा है एकदम से सारे। इसीलिए फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया हॉस्पिटल। ऑनली हॉस्पिटल में ही नहीं, अब मैं कहीं पे घूमने भी जा पाता कहीं पे। आपने पुराने ब्लॉग्स देखा होगा, मैं ऐसे ही निकल लेता था कहीं भी, अकेले भी निकल लेता था, बट अब मैं निकल नहीं पाता बिकॉज फिर ब्लॉग ही नहीं कर पाता मैं, पूरा टाइम बस फोटो खिंचवाने में रह जाता हूँ। तो इसीलिए घर पे ब्लॉग बनाता हूँ, फैमिली के साथ बनाता हूँ। तो गाइज अब मैंने कैमरा अम्मा के हाथ में दे दिया है तो अम्मा ब्लॉग बनाएगी। तो बोलो कहाँ जा रहे हैं हम हॉस्पिटल आँख दिखाने के लिए। हॉस्पिटल नहीं जा रहे, फिर चश्मे वाली दुकान पे जा रहे हैं आपको चश्मे बनवाने के लिए, वहीं पे आँखें चेक भी हो जाएंगी। अम्मा का नंबर आई थिंक बढ़ गया थोड़ा। चश्मा दिखाने के लिए, चश्मा चेंज करना वो। चश्मा दिखाने के लिए? मैं चश्मा चेंज, चश्मा बनवाने के, नया चश्मा बनवाने के लिए। मैं चश्मा बनाने के लिए वहाँ जा रही हूँ। कहाँ? चश्मे वाले दुकान में। चश्मे वाले दुकान में, और आँख में आँख बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, अब चश्मा चेंज करना है मैंने। आँख दिखाई नहीं दे रहा, कौन सी गाड़ी में चलोगे? थार, थार में चलेंगे। आपको थार पसंद है? हाँ हाँ, मेरे को सभी गाड़ी पसंद है। फिलहाल थार में चलते हैं। लॉक करो एकदम से, तेज अम्मा, तेज तेज। ये लगे सीट बेल्ट। चले अम्मा। अम्मा बोली मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिख नहीं रहा अच्छे से, आई थिंक नंबर बढ़ गया है। तो मैंने कहा चलो दिखा के लाते हैं अम्मा की आंखें। आई चेकअप करानी अम्मा की। छोटे अक्षर तो मैं बिल्कुल नहीं देख। ठीक है, हटा लीजिए आप। गो दिख रहा है ना? ठीक, अभी गो फॉर कफन। अभी देखना है, अभी ज्यादा साफ है, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। अम्मा की आईज चेक हो चुकी हैं, अम्मा का नंबर बढ़ा है इस आँख का, और ये आँख तो बिल्कुल ही मतलब ये आँख तो बिल्कुल ही खराब है, इससे बिल्कुल भी नहीं दिखता। अब नहीं दिख रहा ना? क्या है ना, अभी थोड़ा सा बड़ा पहनना पड़ेगा क्योंकि नजदीक का नंबर भी आएगा ना। गाइज अम्मा को बनाने पड़ेंगे दो चश्मे, एक पास का और एक दूर का, बिकॉज पास की नजर भी खराब है और दूर की भी। तो अम्मा के लिए हमने ये दोनों फाइनल करे हैं, एक पास का एक दूर का। चश्मे का ऑर्डर दे दिया है, देख लो गाइज ये लाइफ की रियलिटी, एक टाइम के बाद सबके साथ में यही होना है। अभी मेरी आंखें भी इतनी ज्यादा खराब है, 30-40 साल बाद क्या पता मेरे दोनों ही खराब हो जाएं, कुछ भी हो सकता है भाई। और ये चीज ना मैं ज्यादा फील कर पाता हूँ बिकॉज मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसलिए माइंड में रहता है, इसीलिए मैं काम भी कर पाता हूँ, डेली व्लॉग भी कर पाता हूँ। और मैं देखता हूँ जैसे जैसे दादाजी की तबीयत खराब रहती है, दादाजी का ऑपरेशन हुआ था, अब अम्मा की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, मम्मी भी अभी हॉस्पिटल गई है, तो ये सब ना रियलिटी चल जाती है पता भाई, कि रियलिटी क्या है, हमको किस लिए काम करना है, हमको अपनी फैमिली के लिए काम करना है और खुश रहना है, ये चल जाता है पता एक टाइम के बाद। जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उसको ही चलता है ये पता। आप लोग की वजह से मैं गाड़ी तो चला पा रहा हूँ, अपनी फैमिली को अच्छी ट्रीटमेंट तो दिला पा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो हाँ, ये एहसान आप लोगों का रहेगा हमेशा, थैंक यू सो मच। चलो मम्मी भी आ गई हॉस्पिटल से, क्या बोला डॉक्टर ने? क्या बोला? इंजेक्शन लगाने को। इंजेक्शन? गाइज आज मम्मी गई थी बरेली बड़े वाले हॉस्पिटल में, सुबह सुबह निकल गई थी 8 बजे, अब आइए 2 बज चुके हैं। सही थे डॉक्टर? हंस क्यों रहे आप? ओलू गाइज अब ओरियो को देखना अपना ये टॉय उठाएगा, इसका टॉय पड़ा होगा यहाँ पे देखो, ये देखो अब देखना कैसे उठाएगा, उठा उसको उठा, इसका फेवरेट टॉय है ये। अरे कुनाली भी आ गया स्कूल से, पीयूष भी आ गया स्कूल से। इंजेक्शन पैर में? इंजेक्शन लगाओगे मम्मी? आप कह रहे हो, आप कह रहा हूँ मेड रख लो घर में, काम करने के लिए खाना बनाने के लिए जरूरी है, आपके पैर में दर्द, अम्मा के सबके है ना, आपको 50 साल हो गए, 50 साल अपने लाइफ टाइम कितना ज्यादा काम किया है, बचपन में भी, पहाड़ों में भी, खेतों में भी, हरियाणा में भी, हमको पाला पोसा, अब यहाँ पे अब हम कर सकते हैं, आपको कंफर्ट दे सकते हैं, वो कंफर्ट लेना चाहिए। अब जितनी लाइफ बाकी, अब बूढ़े भी होने वाले हो सभी के सभी, सबकी तबीयत खराब सबका, वो तो अब बहुत मेहनत कर ली, बहुत आपने भी पापा ने भी सबने बहुत मेहनत कर ली, हमारा हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, हम करेंगे जैसे तैसे। वही तो मैं समझाता हूँ इसको, सुनती नहीं है कोई बात हमारी, मतलब ही नहीं सुनने का। तो अब करते हैं लंच, भटकी दाल चावल और हरी सब्जी मस्त। अम्मा ने कैमरा पकड़ना सीख लिया, देखो सही पकड़ा हुआ है, सही एंगल है, मेरे ख्याल से सही आ रहा होगा।
अम्मा ब्लॉग बना रही है इधर, तो गाइस आज मैं अपने दो चश्मे बना के बनाना दे आई हूँ वहाँ लेंस डालने। चश्मा हो गया, अब कुछ और बात करो, चश्मे का हो गया क्या वो? बता फिर, बता कुछ कुछ बोल दो जो आपका मन कर रहा है बोलने का, आपके मन में क्या है वो बोलो ना। गाइस मेरे को बहुत अच्छा लगता है अम्मा के साथ में इस तरह से बैठना, मेरे को भी तो अच्छा लगता है। मैं दिन में बहुत टाइम अम्मा के साथ में इस तरह बैठे रहता हूँ, तो मेरे साथ जब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ब्लॉग नहीं बनाता, मैं ब्लॉग उस टाइम पे मैं अम्मा के साथ में बैठा रहता हूँ, मस्त लगता है एकदम। बैठा है तो मेरे साथ, और बैठना भी चाहिए, अगर आपकी भी अम्मा है आपकी दादी है तो उनके साथ में बैठो, बैठो तभी अपने बुजुर्ग अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं। क्या कौन रहते हैं बुजुर्ग? बुजुर्ग मतलब अम्मा दादाजी। अच्छा बुजुर्ग बोलते हैं? हाँ बुजुर्ग बोलते हैं। बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग बोलो फिर। बुजुर्ग अच्छा, बुजुर्ग हाँ, बुजुर्ग लोग। हम आप क्या चाहते हो लाइफ में ये बताओ। ठीक ही चल रहा है, मैं कह रही हूँ रोज ऐसा ही चले हमारा लाइफ। रोज तो नहीं चलेगा, रोज तो किसी का कुछ नहीं चलता, सब चेंज होता है। सब चेंज होता है, चेंज होते रहता है। जैसे हम छोटे थे बड़े हो गए, अब और बड़े हो जाएंगे फिर और बड़े हो जाएंगे, ये तो होता रहता है। वो तो लाइफ में तो कुछ भी स्टेबल नहीं है। ये खुशियाँ कह रही हूँ मैं ना, खुशियाँ। हाँ ये खुशियाँ, खुशियाँ तो हम खुद से रहते हैं खुद से। हाँ मतलब मैं कह रही हूँ रोज यही खुशियाँ चाहिए हमको। खुशियाँ भी ऐसे नहीं है हमेशा खुशी, कभी दुख भी आएगा। भाई अम्मा ने इतनी देर से कैमरा पकड़ रखा है, हाथ में दर्द नहीं हो रहा आपके? नहीं हो रहा मेरे हाथ में दर्द भाई, इतनी देर तो मैं भी नहीं पकड़ पाता। अम्मा बोलना भी सीख जाओगे आप, अब डेली बनाओगे ना, अब बोलना भी सीख जाओगे। तो भी आ गया हूँ नए वाले घर पे, अपने स्टूडियो पे, और यहाँ पे देखो स्टूडियो काम शुरू हो गया है, और यहाँ पे लग रहे हैं ब्लॉक ताकि जल्दी जल्दी हो जाए ना। यहाँ भी दीवार आएगी, वहाँ भी दीवार आएगी, इधर भी दीवार पूरी, और बीच में ग्लास आएगा, ऊपर ग्लास आएगा यहाँ पे। गाइज ये देखो अम्मा और अम्मा का खेत, अभी अम्मा पानी दे रही है सारी सब्जियों में। तो गाइज आज फर्स्ट टाइम घुमाते हैं ओरियो को सुपर कार में, आज तक कभी बिठाया नहीं है इसको, चलो देखते कैसा लगता है, मजा आएगा लेकिन इसको। चला जा, चलते हैं। उधर की जा रहा है और उधर चलो, उधर चलो। हाँ भाई इसको मजा आ रहा है इस तरह से देखने में। गाइज ओरियो को इंटरेस्ट नहीं है कार में घूमने में या सुपर कार में घूमने में, इसको बस डॉग चाहिए या बिल्ली चाहिए, उनके पीछे दौड़ना है इसको बस। भाई डोर खुला है लेकिन जा नहीं रहा ये। I was making my way across town, trying to get to you. I've been keeping my phone on no sound, facing you out, that's true. चलो भाई और ये घुमा तो दिया लेकिन उसको मजा नहीं आया बिल्कुल भी। चल चले आ जा, चल अब। इसके इंडिकेटर मस्त लगते हैं, देखो यहाँ भी इंडिकेटर है, यहाँ भी इंडिकेटर है, प्यारे प्यारे से, देखो इधर भी और इधर भी, और पीछे वाले भी देखो एक लाइन सी है प्यारी सी। तो पीते हैं शाम की चाय। तो अभी सभी बैठे हैं यहाँ पे और बात चल रही है कुनाली के नहीं खाने की, बिकॉज कुनाली आजकल कुछ भी नहीं खा रहा भाई, सिर्फ दूध पीता है, उसके अलावा कुछ खाता ही नहीं कुनाली। तो हम कुनाली को बोल रहे हैं कि खाया पिया कर, भूख लगने वाली दवाई ले, और मम्मी कह रही है कुनाली की दवाई ले, भूख लगने वाली दवाई, और दवाई से अच्छा नहीं है ना इसे। हैं क्या क्यों मत डालना, क्यों नहीं खाते फिर आप? उसकी टीचर देखेंगे ना स्कूल में। खाते क्यों नहीं आप खाना? भूख ही नहीं लगती है इसको, भूख लगती होगी, मैं ऐसा नहीं है। एक इंसान सोचो तो खाता नहीं हो, एक इंसान बिना खाने के कैसे रह सकते हो? मम्मी इतनी हेल्दी हेल्दी खाना बनाती है, आप खाते क्यों नहीं हो? मन ही नहीं करता। क्यों, क्या मन करता है? मन क्या करता है? मेरे को मन करता है व्हाइट सॉस पास्ता खाने का। शक्ल देखिए व्हाइट सॉस वाली। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ एप्पल स्टोर नया आईफोन लेने के लिए अपने लिए, बिकॉज जो मेरा वाला है ना भाई, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है, मेरे सारी वीडियोस खराब हो रही हैं, देखो इस तरह से हो रहा है, और अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये देखो ये वीडियो खराब, ये देखो ये वीडियो खराब, ये देखो ये वीडियो खराब। तो अब मैं तो चेंज कर ही रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मेरे व्लॉग की, बहुत सारी क्लिप खराब हो जा रही है, व्लॉग भी छोटा बन रहा है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो व्लॉगर है ना उनके साथ में भी ये दिक्कत हो रही है 15 प्रो में, बट 15 प्रो मैक्स में नहीं हो रही। पीयूसी चलना है क्या? नया आईफोन लेने जा रहा हूँ मैं। नया आईफोन? हाँ क्यों? अरे वो दिक्कत आ रही थी ना फोन में, तो ज्यादा ही आ रही थी, तो मैंने कहा कि चेंज ही कर लेता हूँ। चेंज कर रहे हो? हाँ ये वाला दे दूँ, ये वाला दे दूंगा ना। ठीक नहीं होगी ये चीज़? ठीक नहीं होगा भाई वो। क्यों? अब चेंज ही कर रहा हूँ, 15 प्रो मैक्स ले रहा हूँ। ये वाला मैं कर देता हूँ। हैं? ये वाला कर देता हूँ। चलना है क्या? काम करना है मेरे को। क्या काम करना है? एडिटिंग करनी है। पक्का नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। कुणाली आप चल रहे हो? एग्जाम आ रहे तो यहाँ एडिटिंग क्यों कर रहा है फिर? तो सही, एडिटिंग करनी है, एग्जाम आ रहे हैं, वाह ये क्या बात हुई। तो जल्दी करना है ना, उसके बाद पढ़ना भी है भाई। मेरा तो बहुत टाइम है। कितना टाइम है? कब है तेरे? सेम डे स्टार्ट हो रहे हैं। चले चलो एप्पल स्टोर पहुंच गए। ये देखो भाई कुनाली को, ये इसीलिए आया था, और ये रहा अपना नया वाला फोन, ये देखो ब्लैक कलर, ये पुराना वाला था ब्लू। देखो गाइस न्यू फोन लेके तो आ गए हैं।
अब मेरे को ट्रांसफर करना है इसका सारा डाटा इसमें, फिर मैं ये दे दूंगा उनको। तो अब करते हैं डिनर, गडेरी की सब्जी, मूली की सब्जी एंड रोटी। मम्मी जी एक रोटी चाहिए। क्या ये किसकी है? मेरी। भाई देखना, खुद रोटी नहीं खा रहा, अपनी रोटी मुझे दे रहा है। Dinner.